N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि N95 मास्क का इस्तेमाल ना करें। ये मास्क वायरस को फैलने से नहीं बचाता, साथ ही इसका इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। कोरोना का संकट बना हुआ है, हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी कोरोना से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से मास्क को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में N95 मास्क को कोरोना के लिए खतरनाक बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि N95 मास्क में लगा बल्ब कोरोना वायरस को बाहर निकालने में मदद नहीं करता है। N95 मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के बल्ब लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है, यह कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के प्रधान सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सामने आया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की जगह लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जिनमें बल्ब लगा है। बल्ब लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सुरक्षित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी बल्ब वाले मास्क से बेहतर ट्रिपल लेयर मास्क को बताया था। इस संबंध में संगठन ने दुनिया भर के देशों को दिशा निर्देश जारी किए। यही वजह है कि अब चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी N95 के साथ ट्रिपल लेयर मास्क भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऐसे मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कपड़े से बना हो, जिसे 5 मिनट में धोकर जल्दी सुखाया जा सके। एडवाइजरी में मास्क धोने का तरीका भी बताया गया है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आप मास्क को धो सकते हैं। साथ ही एडवाइजरी में बताया गया है कि मास्क के पहनने से पहले लोग अच्छे से अपने हाथ धोएं और एक बार मास्क के इस्तेमाल के बाद उसे फेंक दें, और अगर वो कपड़ों का बना है तो गर्म पानी में धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना मास्क किसी के साथ साझा ना करें। परिवार के हर सदस्य के पास अपना अपना अलग फेस मास्क होना चाहिए। आपको बता दें, भारत में कोविड-19 के मामले 11 लाख के पार हो गए हैं और इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7 लाख से ज्यादा है, जबकि 27,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में लोग वायरस से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी एडवाइजरी उन लोगों को जागरूक करने के लिए है जो सिर्फ N95 मास्क को ही बचाव का एकमात्र जरिया मान रहे थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।